आपका मोबाइल सिम किसी भी ऑपरेटर का हो, चाहे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है, किसी भी ऑपरेटर का हो, ठीक है, आप स्वयं के माध्यम से अपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज यानी जिनसे आपका बैलेंस कट जाता है उन सर्विसेज को कैसे बंद कर सकते हैं, बस एक नंबर को डायल करके। 75% लोग इस नंबर के बारे में नहीं जानते हैं, जिनका जिससे उनका बैलेंस कटता है वो डायरेक्टली कस्टमर केयर पर ही कॉल करते हैं। वाओ, अमेजिंग। मान लो कि आपकी रात के 10 बजे आपका बैलेंस कट जाए पूरा, ठीक है, और आपके पास कॉल करने के लिए पैसे न हो, तो ऐसे में क्या करोगे आप? और आप कस्टमर केयर पर कॉल लगाने में भी असमर्थ रहे तो क्या करोगे? इसीलिए कह रहा हूँ, इस नंबर को आपको पता होना चाहिए, भविष्य में आपके काम आ सकता है अपनी सर्विसेज को तुरंत डीएक्टिवेट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं वो कौन सा नंबर है जिस पर कॉल करके आप अपनी वैल्यू एडिड सर्विसेज को बंद करा सकते हैं। वो नंबर है 1-55-22-3, यानी 155-223। जी हाँ, ये बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करने का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। जैसे ही आप 155-223 पर कॉल करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको अपनी लैंग्वेज यानी अपनी भाषा को सेलेक्ट करना होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आपको आईवीआर ऑप्शंस को ध्यान से सुनना है, जैसे कि कॉलर ट्यून की सर्विस को बंद करने के लिए 1 दबाएं। यहाँ पर आप एक नंबर दबा के कॉलर ट्यून की सर्विस बंद करा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, बैलेंस को रिटर्न करने के लिए यानी आपका बैलेंस वापस करने के लिए आपको कस्टमर केयर पर ही कॉल करना पड़ता है। ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिस पर आप अपने स्वयं के माध्यम से कोई नंबर डायल कर लो और आपका बैलेंस रिटर्न हो जाए, ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको अपना बैलेंस रिफंड यानी अपने बैलेंस को वापस करवाने के लिए कस्टमर केयर पर ही कॉल करना पड़ता है, ओके। अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।